अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शौकत लखानी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर कराची से। आज मैं मौजूद हूँ कराची सी वी ओ के ऊपर और घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखें तो साहिल समंदर है और इस तरफ सारी पब्लिक घूम रही है, और वो जो सामने आप पीछे दो बिल्डिंग देख रहे हैं वो डॉर्मर मॉल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है। उस मॉल की भी मैंने वीडियो बनानी थी लेकिन मैंने सुना है कि वो मॉल फ्राइडे वाले दिन जो है ना फैमिली के लिए होता है, तो आज जुम्मा है और जुम्मे को ही मेरी छुट्टी होती है। तो और उस तरफ बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह जमा है, शायद वो जो जहाज़ फंसा था ना वो वहाँ पर उस तरफ आप देख रहे हैं उस तरफ फंसा था। आज मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ मेरा कोई दोस्त नहीं आया, कोई भाई नहीं आया। वैसे भी मैं अकेला एक दो बार पिकनिक पॉइंट पे गया हूँ लेकिन आज मैंने सोचा कि सी वी ओ को जो है ना एक्सप्लोर करते हैं। यार सी वी ओ पाकिस्तान का, कराची का नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पिकनिक पॉइंट है। और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं इसलिए ये सबसे बड़ा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगह मालम जब्बा उधर सवात वाली साइड, लेकिन सबसे बड़ा जो पिकनिक पॉइंट है ना का और पाकिस्तान का वो सी वी ओ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए, और अगर कोई अंदरून बलोचिस्तान या अंदरून सिंध से कोई आता है ना तो वो सी वी ओ लाजमी आता है देखने के लिए, क्योंकि उसने बहुत सुना होता है सी वी ओ सी वी ओ, तो वो सोचता है कि मैं देखूँ यार ये सी वी ओ है क्या चीज़। और आमिर भाई मेरे साथ नहीं आया, अभी मैं जब आ रहा था वो सोया हुआ था, मैंने उससे कहा कि यार आ जा चलते हैं साथ, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं नहीं आ रहा, तू चला जा, मुझे नींद आ रही है। तो अब मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ सी वी ओ पे घूमते हैं, और अभी हम पानी की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ पानी है सारा, तो देखते हैं कैसा माहौल है। सो भाई माहौल जो है ना वो बहुत ही गर्म होता जा रहा है, क्योंकि हम सी वी ओ के पास पहुँचते जा रहे हैं, समंदर के बहुत ज़्यादा पानी पीछे चला गया, पहले पानी वहाँ तक होता था और अब पानी वहाँ तक चला गया। ये वाली गाड़ियाँ भी जो है ना वो सी वी ओ पे चलती है भाई, तो आप आएँ तो इस गाड़ी पर भी ज़रूर सवारी करें। वाह यार आप बीच देखें खाली, वो जो दो बड़ी बिल्डिंगें हैं ना वो बहुत प्यारी लगती है इस समंदर से, और ये सोचें कि उस बिल्डिंग के ऊपर से ये समंदर कैसा लगता होगा, क्या नज़ारा होगा। एक व्लॉगर को जो है ना वो ऐसा ही व्यू चाहिए होता कि वो इस बिल्डिंग के ऊपर से जो है ना व्यू ले, ड्रोन कैमरा नहीं है वरना ड्रोन से व्यू लेते ना तो वो बहुत मज़ा करता। किमें बता ले 30 रुपये की दे, तो एक ठंडी देना थोड़ा दे। क्या बना रहा है? वीडियो बना रहा हूँ रे। तो भाई हम कराची के साहिल समंदर में घूम रहे हैं और हमें यहाँ पे पानी वाला नहीं मिला, एक पानी वाला मिला, मैंने उससे पानी मांगा लेकिन उसने कहा कि भाई वो समझा कि मैं उसकी कोई वीडियो बना रहा हूँ या ऐसा कुछ, तो वो भाग गया। तो भाई फाइनली वो पानी वाले बंदे ने हमें पानी की बोतल दे ही दी आखिर, और लोग तो जो है ना वो छुप के भाग रहे थे हम लोगों से, वो डर रहे थे कि पता नहीं ये क्यों हमारी वीडियो बना रहा है और क्या। अभी पानी पीते हैं यार, थक गए। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं साहिल समंदर के ऊपर और पाँव हमारे जो है ना वो पानी के अंदर पहुँच चुके हैं, और बहुत सारे लोग आगे भी गए हैं यार। हालांकि मौसम जो है ना वो ठंडा है, मैं सोचा था पानी ठंडा होएगा लेकिन हल्का ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल ठंडा है, और फैमिलीज़ बहुत सारी आई हुई है, तो घूमने फिरने के लिए ना ये जगह बहुत अच्छी है, इसलिए जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा साहिल और सबसे बड़ा पिकनिक पॉइंट है। लोग नहा रहे हैं मेरे पीछे, लोग वहाँ पर नहा रहे हैं, और लहरें जो है ना वो हमारे कपड़े भी गीले कर रही हैं भाई, लहरें हमारे कपड़े गीले कर रही है। और मौसम जो है ना वो बहुत शानदार हो रहा है, अभी सब चल के देखते हैं। यानी कि ये कि कराची वालों के लिए सबसे अच्छी जगह ये है, जो कराची में रहते हैं ना, हम लोग पहले आते थे अपनी फैमिली के साथ भी लेकिन अब हम कम आते हैं क्योंकि हमने होलसेल की दुकान लगा दी है, वहाँ पर टाइम कम होता है, और टाइम कम होता है तो घूमने फिरने की जगह भी नहीं मिलती।
फ़िश आई का व्यू देख रहे हैं भाई, ये व्यू है फ़िश आई लेंस का और बहुत ही खूबसूरत। अभी हम लोग यहाँ पर आके बैठ गए और पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि अपनी जाके गाड़ी देखूं पहले कि गाड़ी खड़ी है या नहीं खड़ी, तो मैंने देखा कि गाड़ी खड़ी हुई थी और अभी पाँव भी धोने, पाँव सारे गंदे हो गए हैं। सामने पाँव धोने वाली जगह वहाँ से पानी की बोतल मिलती है तो वहाँ से पाँव धोते हैं। सो गाइस सीवियो पार्क घूम घूम के मैं तो थक गया हूँ यार। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ बेनजीर पार्क में, क्योंकि एक ब्लॉग वहाँ का भी हो जाएगा। सूरज के डूबने में टाइम है और मेरी बाइक ये खड़ी हुई है। तो सीवियो जो है ना बहुत ही अच्छी जगह है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पिकनिक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे सूबे से यहाँ पर आते हैं तो आप सीवियो जो है ना वो लाजमी आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और घूमने के लिहाज से जो है ना सबसे बड़ा पिकनिक पॉइंट पाकिस्तान का सीवियो ही है। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक दूसरे पिकनिक पॉइंट के ऊपर। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।